पीटीआई और काफली का पंजाब में नून लीग को टफ टाइम देने का फैसला। दोनों जमातों के अहम रहनुमाओं की मुलाकात, अगली लाइन ऑफ एक्शन पर गौर। वजीर आला पंजाब का नाम इमरान खान के पास है। शरीफ बरादरान ने इदारे कमजोर कर दिए, 56 कंपनियां बनाकर मनपसंद अफसरान भर्ती किए। पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन, शहबाज शरीफ के नापायदार मंसूबों ने सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। परवेज इलाही, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। पंजाब असेंबली का ऐवान, सियासी क्यादत की मखसूस नशस्तों के लिए लाहौर की खवातीन पर नवाजिशात। 66 मखसूस नशस्तों में से 39 का ताल्लुक लाहौर से है। तहरीक इंसाफ की 33 में से 17 खवातीन एमपीएस लाहौर से मुंतखब हुई, जबकि नून लीग के टिकट पर 30 में से 21 मखसूस नशस्तों पर मुंतखब खवातीन अरकान का ताल्लुक भी लाहौर से है। पंजाब असेंबली की 17वीं नौ मुंतखब अरकान के इजलास का शेड्यूल तैयार। 15 अगस्त को स्पीकर आला मोहम्मद इकबाल नौ मुंतखब अरकान असेंबली से हल्फ लेंगे। 16 अगस्त को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, जबकि 19 अगस्त को कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। कोट लखपत टाउनशिप, आरे बाजार, कैंट और दीगर इलाकों में बारिश हुई। गर्मी की शिदत कम होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। जश्न आजादी में एक रोज बाकी, हर तरफ यौम आजादी की खुशियां। गलियों, बाजारों और घरों की छतों पर सब सिलाली परचम लहराने लगे। मिली नगमों की गूंज, बच्चे आजादी की खुशियों में सबसे आगे। कौमी परचम, झंडियों और बैजेस की फरोख्त में इजाफा। ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी, कुर्बानी के जानवर खरीदने का खसूसी प्लान। शहर भर में 7 मवेशी मंडियां लग गईं, दूसरे शहरों से कुर्बानी के जानवर पहुंच गए। रौनकें दुबाला, गाहकों और व्यापारियों के दरमियान भावताव। कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर। ईद कुर्बान की आमद आमद, शहर की आरजी मवेशी मंडियों में नाकिस इंतजाम। सगिया की मवेशी मंडी में इंतजामिया के दावे धरे रह गए। आरजी मवेशी मंडी में बिजली है न पानी, व्यापारी परेशान, कुर्बानी के जानवर प्यास से हलकान। बरकी में 5 अफराद के कत्ल की तहकीकात, पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में नाकाम। मुलजिमान वारदात के बाद लाहौर में रहे, मोबाइल फोन भी इस्तेमाल करते रहे। पुलिस मुलजिमान तक ना पहुंच सकी। खातिन को हिरासत में लेकर मुलजिमान की गोरी रफ्तारी देने पर रजामंद किए जाने का इंकशाफ। आला अफसरान ने वाकई की जिम्मेदारी एसएचओ बरकी पर डाल दी। एसएचओ का पुलिस लाइन तबादला। और एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान वेडिंग शो का दूसरा रोज। शो में मिसाली शादी के तमाम लवाजमात, खवातीन की वेडिंग शो में गहरी दिलचस्पी।